नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में, यानी कि GUST। दोस्तों, आज मैं एक कॉमन सी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ ऐसी है जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। कैस्टर ऑयल, ये है दोस्तों कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल हम सभी जानते हैं, इसके गुणों के बारे में भी हम सभी जानते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल का यूज कैसे करना है, कैस्टर ऑयल को सही तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि इसका पूरा बेनिफिट्स हमें मिल सके, ये हर किसी को पता नहीं होता है। कुछ ही लोग इसके फ़ायदे और इसको कैसे यूज करना चाहिए इसकी जानकारी उनके पास होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल की जानकारी नहीं होती है कि इसको कैसे लगाना चाहिए ताकि हमें पूरा का पूरा इसका हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी दोस्तों कि कैस्टर ऑयल को आपको कैसे यूज करना चाहिए। दोस्तों, कैस्टर ऑयल आपके फेस के लिए यानी कि स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैस्टर ऑयल, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वाले के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। आप थोड़ा सा फिंगर्स पे लेके और रात को अपने चेहरे पे इससे मसाज कर लीजिए और सुबह नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। इससे आपकी जो ड्राइनेस है फेस की वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो इस तरह से ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही उपयोगी है। दूसरा है दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी अरंडी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अरंडी का तेल, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल यूज नहीं करना चाहिए, उसको यूज कैसे करना है चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। आप प्योर कैस्टर ऑयल लेंगे, देखिए जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, प्योर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ भी किराने की शॉप होगी वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसका प्राइस है दोस्तों 80 रुपये, और आजकल तो हर किसी के घर में ये अवेलेबल है ही, क्योंकि सभी लोग कैस्टर ऑयल के गुणों को जान गए हैं और सभी लोग अपने घर में कैस्टर ऑयल को रख रहे हैं अपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए और अपने स्किन के लिए। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे 2 स्पून के करीब कैस्टर ऑयल अपने हेयर में इसको हम लगाने के लिए। दोस्तों, जो कैस्टर ऑयल है ये बहुत ही गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ कैस्टर ऑयल को अपने हेयर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल होती है कि लोग कैस्टर ऑयल लगाते हैं, कैस्टर ऑयल लाते हैं और डायरेक्टली अपने बालों में इसे लगा लेते हैं। तो इसे कभी भी डायरेक्टली ना लगाइए, हमेशा इसको कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाइए। कैरियर ऑयल में दोस्तों आप नारियल का तेल ले सकते हैं, आप बादाम का तेल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और आप बादाम का तेल ले सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा मैं मानती हूँ 2 तेलों को जिसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, वो है नारियल का तेल और दूसरा है ऑलिव ऑयल। ये 2 तेल मुझे बहुत ही पसंद है जिसके साथ मैं यूज करना इसको पसंद करती हूँ। तो मैं इसके साथ अब मिलाऊंगी कैरियर ऑयल के तौर पे नारियल का तेल। दोस्तों, मैंने 2 चम्मच लिया था कैस्टर ऑयल और 3 चम्मच के करीब मैं डालूंगी नारियल का तेल। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ये क्वांटिटी बनाएंगे 3:2 का। तो इस तरह से हमने ले लिया है, मैं अपने अंदाज से ले रही हूँ 2 स्पून के करीब में कैस्टर ऑयल और 3 स्पून के करीब में नारियल का तेल। अब हम इसको करेंगे हीट, तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हीट कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने गैस पे इस तरह से पानी रख दिया है और पानी हमारा गर्म हो गया है। इस गर्म पानी में हम हमारा जो तेल था इसको हम डाल देंगे और इस तरह से ये जो हमारा तेल है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कैस्टर ऑयल काफ़ी गाढ़ा होता है, तो गर्म पानी में रखने से ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और इसका गाढ़ापन जो है वो पतला हो जाएगा और हम गैस को बंद कर देंगे।
और फिर उसके बाद जब ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको अपने बालों में अच्छी तरह से उंगलियों से लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा कैस्टर ऑयल रेडी हो गया है, यानी अरंडी का तेल रेडी हो गया है हमारे बालों में यूज करने के लिए। और ये यूज कैसे करना है, आपको अपने फिंगर्स पे लेने हैं इस तरह से, और इस तरह से सारे फिंगर्स में लेके और फिर आपको अपने जड़ों में अच्छी तरह से कुछ इस तरह से मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से। ये नहीं कि फास्ट आप करेंगे, हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे आपको अच्छे से मसाज करनी है। इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज कर लेनी है और मसाज करने के बाद इसको आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैस्टर ऑयल का यूज हमें कैसे करना है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।